TB University, ऐसे दसियों संगठनों का मिलकर संयुक्त तत्वावधान में ज्वाइंट ऑस्पिसेस ज्ञान संहिता का आयोजन किया है. इट इज नॉट मेयरली एन इवेंट, ए कैंपेन और मूवमेंट हो रहा है. उसके पहले चरण का पहला कदम है ये. उसमें समझना ये है कि हम भारत को दुनिया को समझा सकें. दुनिया जो कुछ समझाया गया है पिछले 200 साल में वो कुछ अलग है. भारत वो नहीं है. एंगस मेडिसिन कुछ कह रहा है तो एक संकेत है. दैट इज नॉट कंक्लूसिव, दैट इज इन्वेस्टिगेटिव. उसी प्रकार आज की जो क्राइसिस है उसमें ये सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. क्राइसिस क्या है? एक ने कहा कि दुनिया चलाने के लिए 55 करोड़ लोग काफी हैं, 700 करोड़ की क्या जरूरत है, बाकी 650 करोड़ का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देम. इट्स सिंपल, दोस हू कैनॉट परफॉर्म दे शुड पेरिश. और लेकिन केवल हु विल बी दोस हु विल पेरिश and who will be judging as to who is performing or not. इसके बिना क्लैरिटी के ब्लैंकेट स्टेटमेंट देंगे. उसको उन्होंने नॉमेनक्लेचर किया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. ये सब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है. मैनकाइंड का ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है. दो किताबें पिछले दिनों देखने को मिली थी. एक है फ्रैंक का लिखा हुआ 5000 ईयर्स वर्सेस 500 ईयर्स. जो 5000 साल में हुआ बदलाव, परिवर्तन, चेंज, उससे ज्यादा और ज्यादा स्पीड में 500 साल में हुआ. पेस ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन, दैट इज टू बी वॉच्ड. पिछले 30 साल पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अबाउट 600 करोड़ एंड पीपल हु लिव्ड बिलो $1 ए डे, दैट वॉज 65 करोड़. बट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ 30 ईयर्स 700 crores is the population, more than that. And out of them, 135 crores of people are below $1 line. About the environmental ecological destruction, nothing much to say, it is all now evident. Now global warming or climate change, it is not the only talk in the elites class. It is being suffered by the people. जो हो रहा है वो ये सब हो रहा है. और इसी में हरारी ने लिखा था that colonialism, militarism, imperialism, then liberal democracy, statism, ये सब जो हुआ है उसी का आगे कंबिनेशन है कि आर्मी की जगह टेक्नोलॉजी इज द रूट ऑफ पावर. और उस टेक्नोलॉजी में हरारी ने किताब लिखी सेपियंस. चार टेक्नोलॉजी को मेंशन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग.
अब ये है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है तो समझना होगा कि फिलॉसफी जो होगा वो फिलॉसफी में से आइडियोलॉजी पर प्रकट होगा, आइडियोलॉजीज में से गोल ऑफ लाइफ आएगा, गोल ऑफ लाइफ में से वैल्यूज ऑफ लाइफ एमर्ज करेंगे, वैल्यूज ऑफ लाइफ के अनुसार आइकॉन्स आइडल्स ऑफ वैल्यूज ये बनेंगे, वैल्यूज विल गेट चेंज। इंटरेस्टिंग किताब आप भी कभी पढ़ें, एटर्नल वैल्यूज इन चेंजिंग सोसाइटीज, स्वामी रंगनाथानंद जी का। तो इसमें ये अगर होगा तो आइडल्स बदलते हैं, यद्य जाचरति श्रेष्ठ तब तदेव इतरे जना, कॉमन मैन्स लाइफ स्टाइल विल बी इन्फ्लुएंस्ड ड्रास्टिकली बाई दैट। और जो लाइफ स्टाइल होगा उसको एकॉम्प्लिश करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, और पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है। तो सर्वेंट बिकमिंग मास्टर, ये है डेंजर। ओम्बड्समन और टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश होना है, उसकी जगह स्ट्रैंगुलेशन ऑफ थॉट प्रोसेस और डिक्टेशन ऑफ थॉट प्रोसेस और कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, इस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको रोकने का, और इसमें रोकने की सेंस ऑफ अर्जेंसी है। एक ने लिखा था 2030 तक इको डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं सीरियस हुआ, बाय 2030 थिंग्स विल बिकम अनमैनेजेबल इरिवर्सिबल। उसी तरह से एक ने लिखा इन भारत इन द लास्ट 60 इयर्स वी हैव लॉस्ट 50% ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड दैट हैज बीन अवर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, अदरवाइज ऑन ए लैंड सरफेस लैंड 2.4% ऑफ द वर्ल्ड 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन सर्वाइव्स। इसलिए इन बातों की अर्जेंसी है, तो उसमें से बहुत से डायमेंशंस हैं, धर्म भी है, संस्कृति भी है, इकोनॉमी भी है, इकोलॉजी भी है, एथिक्स भी है, सोसाइटी भी है, ये सब एस्पेक्ट है। उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम हैज गॉट दैट पोटेंशियल दैट कैपेसिटी प्रूवन वन। हमने हजारों साल तक इस 2.4% लैंड पर सस्टेन किया है, आसान बात नहीं है, और उसका इको डिस्ट्रक्शन में परिवर्तन नहीं हुआ। तो कौन सा सोशल सिस्टम था, कौन सा वो पॉलिटिकल सिस्टम था, आज उसमें से क्या हो सकता है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करना होगा, मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, विदेशी को स्वदेशानुकूल, स्वदेशी को युगानुकूल बनाकर ग्रहण करना, तो उसके बैलेंस क्या होगा। तो इसमें से ही एक समय आपको याद हो पता नहीं, एक गाना था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से। हिस्टोरोग्राफर कहते हैं दुनिया में दो ही सिविलाइजेशन मोर देन 5000 ईयर्स हैं, और उसके बाद उसमें भी 2200 ईयर्स मैक्सिमम है बाकी सिविलाइजेशंस का एज, खत्म हो गए। भारत और चीन ही 5000 साल से ज्यादा एक्नॉलेज्ड है तो बहुत 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 ज्यादा। फिर इसमें से आया कि 400 साल से ज्यादा फॉरेन इन्वेशन अटैक को कोई सिविलाइजेशन सर्वाइव नहीं किया, अगेन भारत एंड चाइना, लेकिन चाइना बिना लड़ाई किए वॉल बनाया,
लगातार लड़ते रहे और सर्वाइव किए, सस्टेन किए। आज भी राम कृष्ण वैसे ही हैं जैसे हजारों साल पहले थे, सस्टेन किया है। इसको समझना तो चाहिए, दुनिया को समझाना तो चाहिए। वो कौन सी बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? एक ने मुझसे पूछा था, कौन सी बात है? मैंने कहा कि धर्म निष्ठा, यही भारत की विशेषता है। धर्माधिष्ठित समाज रचना, धर्म नियंत्रित राज्य, धर्मानुकूल समाज, धर्म प्रवण व्यक्ति, ये वो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसको समझने और समझाने की बात है। इसमें मैं इंग्लिश हिंदी सब मिलाकर बोलता हूं, जिसमें क्योंकि हम मानते हैं इंग्लिश उतना इफेक्टिवली कन्वे नहीं हो पाता है। अब आपको मालूम है धर्म अलग है, रिलीजन अलग चीज है, संस्कृति अलग चीज है, कल्चर अलग है, नेशन अलग है, राष्ट्र अलग है। इसलिए व्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष, ये दिक्कत होती है। इसलिए हम धर्म की बात जब करते हैं तो भारतीय अर्थ में कर रहे हैं। ये भी समझाना है, राष्ट्र का उद्भव नेशन के रूप में नहीं है, क्योंकि नेशन तो वेस्टफालिया का बचपने का है। इसलिए हमको ये जो पहुंचाना है, और इसमें से हम जो परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस के विक्टिम बने हैं कॉलोनियलिज्म के कारण, उसमें से अनलर्न करना है। उसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट की जरूरत है। उस मूवमेंट में एक छोटा सा कदम शुरुआत का है, और शुरुआत का है, और इसके पीछे कारण है कि हम भारत के लोग मानते हैं कि दुनिया एक परिवार है। वो मानते हैं आजकल विश्व एक बाजार है। इसमें से हमको आगे बढ़ना है तो हमको अपनी नॉलेज सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। हमारे अकाउंट्स, हमारे शब्दावली, राम राज्य का हमारा अर्थ, मंदिर से राम राज्य की ओर तो बढ़ना पड़ेगा, तब उसकी सार्थकता होगी। इसके लिए ही देश भर में चलाना है, बढ़ाना है, और जो धर्म सत्ता उसके अंतर्गत समाज सत्ता, उसके अंडर राज सत्ता, और उसके अंडर अर्थ सत्ता, ये पिरामिड है, उलट गया है इंसिडेंटली। सब मिलकर उसको ठीक करना है। उस ठीक करने में क्या करना, कैसे करना, किसे विषय में जो बौद्धिक चेतना की आवश्यकता है, ये सारे एफर्ट की शुरुआत ज्ञान सरिता है। अभी ज्ञान गंगा की पवित्रता पाना है, गंगा सागर तक की यात्रा है, इसी से अनंत की ओर की यात्रा है। उसमें हम जैसे बहुत सौभाग्यशाली हैं, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म और पूर्वजों की सुकृत, उसका जन्म है भारत में। दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तच दुर्लभम, हमको सौभाग्य मिला है, वो भी ट्रांजिशनल पीरियड में मिला है। अति अंधकार में से सूर्योदय की ओर जा रहे हैं। उस अवसर में हम अपने जीवन को मीनिंगफुल, पर्पसफुल और फुलनेस की ओर जाए, इसमें नाते से हमारा विश्वास है कि महर्षि अरविंद और भी लोग सब मिलकर जो पीछे खड़े हैं, केवल हम नहीं प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास सामयिक है, युगानुकूल है, आवश्यक है,
इसमें हमें से हर एक कुछ ना कुछ योगदान करे, इसलिए निवेदन है। हम चला रहे हैं ये नहीं है। तो जगन्नाथ यात्रा होती है ना, तो जगन्नाथ का रथ है, उस रथ में कोई रथ को चलाता नहीं है, सब रस्सी पकड़ कर चलते हैं, धक्का देते हैं। किसी को अहंकार आया हम बहुत चला रहे हैं तो रथ रुक जाएगा, और रथ रुकता है फिर कितना भी धक्का दीजिए चलता नहीं है। जब उसकी इच्छा होती है, परिमार्जन होता है तो चलता है।